कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लबे जन्म रक्ष योगेशम वेत योषितां वादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। सुबह सुबह की बात है, लगभग 5 बजे होंगे, गोपियां आई, कम से कम 20 मैया के दरवाजे खटखटाती, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो। मैया भी उठ करके बैठी है, दरवाजे नहीं खोले, सिर्फ बैठी है बिस्तर पे। गोपियों ने जब आवाज लगाई, मैया ने दरवाजे खोले, मैया बोली, अरे गोपियों क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम कैसे आई, क्या गांव में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है? गोपियां कहती, मैया सुबह से अशुभ बातें तो मत करो। मैया बोली, फिर क्या बात है? गोपियां बोली, अरे मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो। मैया आज लाला को जन्मदिवस है, आज लाला की वर्षगांठ है, प्रथम जन्मदिन है, वही नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया था। अब जैसे ही मैया ने सुना तो मैया तो आश्चर्य में पड़ गई कि बताओ मैं मेरे लाला की जन्मदिन को कैसे भूल सकती हूँ। और फिर थोड़ी देर तो मैया चुपचाप बैठी रही, फिर मैया ने गोपियों को आज्ञा देना शुरू किया कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। तो गोपियां बोली, क्या करें? मैया बोली, जाओ जाओ जाओ, बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, खूब बाजे बजवाओ, गीत गवाओ द्विज मंत्र कैश्च, ब्राह्मणों को बुलवा करके मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, मंगलाचरण कराओ, बंधन बारे बंधवाओ, रंगोली डलवाओ, कन्या भोज ब्राह्मण भोज कराओ, इत्यादि अन्नदान वस्त्रदान द्रव्यदान सभी प्रकार के दान दो, उत्सव मनाओ, आज लाला का जन्मदिन है, लाला 1 बरस को है गयो। ऐसा मैया आनंद मना रही है, खूब खूब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। मैया ने भी लाला का स्नान करा के सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र पहनाए, खूब सुंदर सजा करके लाला को पालने में लिटा दिया। अब जब पालने में लिटाया तो जो गोपी आए वो ही कोई गोद में उठा के चूमे, कोई गोद में उठा के नाचे, कोई छाती से चिपका ले, कोई बलाएं लेने लगे, कोई भगवान सो रहे हैं तो भगवान को हिलाने लगे कि उठो 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 उठो। ऐसा हुआ है, उत्सव मनाया जा रहा है। अब मैया जब ये देख रही हैं तो मैया को लगा कि ऐसे में तो दिन भर कोई ना कोई आएगा और लाला को सोने नहीं देगा, उसको आ रही है नींद। तो मैया ने कन्हैया को दूध पिलाया, थपकियां दे दे करके सुलाया, पालने में लिटाया और मैया पालना उठा के ले गई। मैया के आंगन में रखा था छकड़ा, छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी के जैसा, बैलगाड़ी तो नहीं उसके जैसा, छकड़े के नीचे पालना रख दिया कि यहां कन्हैया को कोई परेशान ना करे। उसी छकड़े पर दूध से दही से माखन से भरी हुई बड़ी बड़ी टंकियां बर्तन पात्र रखे हैं और उसी दिन कंस ने भेजा है शकटासुर को, अदृश्य रूप में आया है, दिख नहीं रहा किसी को, अदृश्य रूप में शकटासुर आया। और जब शकटासुर आया तो सोच रहा है कि भगवान को देख के कि भगवान तो पालने में है, छकड़े के नीचे पालना रखा है, थोड़ा सा रूप बढ़ा करके इस छकड़े के ऊपर गिरूंगा, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा और कृष्ण दब करके पिचल करके मर जाएगा। वो सोच रहा है, वो सिर्फ सोच रहा था, भगवान ने करना शुरू किया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने हाथ पैर चलाए, हाथ पैर चलाते चलाते रोने लगे, रोते रोते हाथ पैर चलाते 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 एक लात जब भगवान ने छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और छकड़ा पलटते ही शकटासुर मारा गया और मैया का जितना दूध दही था सब वहां चारों तरफ बिखर गया। शकटासुर तो किसी को दिखा नहीं क्योंकि अदृश्य होके आया था, लेकिन छकड़ा पलटा है, सब बिखर गया। जब धड़ाम से आवाज आई, मैया और गोपियां भाग करके बाहर आईं तो देखा छकड़ा पलटा पड़ा हुआ है।
अब मैया और गोपियां सोच में पड़ गई कि किसी प्रकार की आंधी नहीं, किसी प्रकार का तूफान नहीं, कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं। और ये अचानक क्या हुआ कि झगड़ा पलट गया। फिर सोचने लगी, चलो जैसे भी पलटा पलट गया, कम से कम लाला तो सुरक्षित है। इतने में बच्चे आए और कहते, मैया हम बताएं ये कैसे पलटा। कहा, बताओ। कारे तुम्हारा ये लल्ला ना, इसने एक लात मारी झगड़े में, इसकी लात से झगड़ा पलट गया। मैया ने गाली देके भगाया, चुप करो, कुछ भी बोलते हो, पागल हो क्या, छोटे से बच्चे की एक इतनी सी लात से झगड़ा पलट जाएगा। अब बच्चे गए, मैया नहीं मानो, अब वो ना मानो वो बात अलग है, लेकिन हमने यही देखा है कि आपके लल्ला ने जैसे ही लात मारी सो छकड़ा पलट गया और ये सब यहाँ बिखर गया। तुम्हारे लल्ला का किया धरा, अभी सो पद्री है तुम्हारा लल्ला। और उनने जो देखा था वो सत्य था, पर मैया को लगा कि बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं, सक्तासुर को भगवान ने मारा है, मैया का दूध दही सब वहां पर बिखर गया। इस प्रकार से भगवान के प्रथम जन्मदिन पर कंस ने सक्तासुर को भेजा है, सक्तासुर अदृश्य रूप में आया है और भगवान ने सक्तासुर को मार करके उसका उद्धार किया है।